हेलो एवरी वन वेलकम टू भाईज सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इवोल्यूशन वी हैव डन जेनेटिक्स सो लेट्स गेट स्टार्ट सो वट इज़ इवोल्यूशन ईवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी स्पीसीज के अंदर चेंजेस आते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम और ये जो चेंजेस है वो हेरिटेबल होते हैं मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो इसी वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं हम इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद द ओरिजिन ऑफ और लाइफ तो यूनिवर्स है वो लगभग बीस मिलियन ईयर्स को पहले फॉर्म हुआ था तो उसके लिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो यूनिवर्स है उसकी फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू तो ह्यूज एक्सप्लोजन एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ उससे छोटे छोटे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई मतलब एक लार्ज प्लानट था उसमें ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उससे स्मॉल प्लानट्स बने अर्थ की फॉर्मेशन हुई अबाउट फोर बिलियन ईयर्स को बट वहाँ पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं था कि वहाँ पर कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव कर सके तो जो अर्थ थी वो मोल्टन मास से कवर थी और मोल्टन मास से कंस्टिट्यूंटली रिलीज़ हो रहे थे वाटर वेपर्स मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो सन के यूवरेज थी उन्होंने जो भी वाटर वेपर्स थे उनको ब्रेक किया इन द हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन गैस थी लाइटर हाइड्रोजन गैस वो तो एटमोसफेयर के अंदर रिलीज हो गई और जो ऑक्सीजन था उसने अमोनिया और मिथेन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन की कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की एंड अदर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की फिर वहाँ पर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई और ओज़ोन लेयर का वर्क का क्या होता है कि वो जो भी सन की हार्मफुल रेज़ हैं यू वी रेज उनको अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आने नहीं देती और एक्स्ट्रा हीट है उसको भी कंट्रोल करके रखती है तो इस वजह से जो अर्थ का टम्परेचर था वो डाउन गया और अर्थ का टेम्परेचर है वो डाउन गया लो हुआ तो इस वजह से जो भी वाटर वेपर्स थे वो रेन के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर गिरे जो भी अर्थ के अंदर डिप्रेशन थी मतलब सरफेस पर डिप्रेशंस थी उन डिप्रेशन के अंदर वो वाटर है वो फिल हो गया और उन्होंने ओशन्स की फॉर्मेशन की जो लाइफ थी अर्थ के ऊपर वो फॉर्म हुई थी अराउंड फाइव मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई उसके लिए भी डिफरेंट थ्योरीज दी गई फर्स्ट थ्योरी थी पैंसपामिया पैंसपामिया थ्योरी क्या कहती है ये कहती है कि जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ है वो आई इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम अनदर प्लानेट जो ये थ्योरी थी वो बहुत पॉपुलर थी साइंटिस्ट के बीच में नेक्स्ट थ्योरी आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है ये कहती है कि जो लाइफ है वो फॉर्म हुई फ्राम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो श्रो और मड है वो आगे जाके लिविंग बिंग्स के फॉर्मेशन करे तो ये भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर लुइस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट किया इन्हीं को लेकर बट वहाँ पर कोई भी लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई नेक्स्ट आई ओपेनियन एंड हार्डिन थ्योरी ओपेयन एंड हार्डिन थ्योरी क्या कहती है ये कहती है कि जो लाइफ है वो फॉर्म हुई थी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे फ्रॉम कैमिकल इवोल्यूशन और कैमिकल इवोल्यूशन क्या होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होना और इसी को सपोर्ट करने के लिए मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट आया मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया जो अर्थ थी जब लाइफ नहीं प्रेजेंट थी वहाँ पर तब क्या क्या कंडीशन थी हाई टम्परेचर था वोल्केनिक इरप्शंस थे मिथेन थी अमोनिया था एंड रिड्यूस्ड एटमोसफेयर था तो इन्हीं को रिक्रिएट किया गया एट हेट डिग्री सेल्सियस उन्होंने एक बॉब शेप्ड फ्लास्क लिया तो इसके अंदर उन्होंने यूज़ की कुछ इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स और वहाँ पर मिथेन अमोनिया वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट थी और इन्हीं कंडीशंस की वजह से यहाँ पर टम्परेचर था वो हाई हो गया तो इनको कूल cool डाउन करने के लिए वाटर की इनलेट करवाई गई ताकि ये जो सोल्यूशन था वो कूल cool डाउन हो जाए तो उन्होंने आगे ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रजेंट थे तो इसको दोबारा बॉयल किया गया और यहाँ से फिर जो भी सोल्यूशंस था उनको बाहर निकाल लिया गया तो उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स के एसिड्स की फॉर्मेशन देखी और कुछ साइंटिस्ट ने इवन ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स नाइट्रोजन बेसिस पिगमेंट्स फैट्स एंड इवन डी एन एन आर एन ए तो ये क्या प्रूव करता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है डी एन एन आर एन ए डी एन एंड आर एन ई के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते तो ये यही प्रूव कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने आगे जाके लाइफ की फॉर्मेशन की सो दैट इज़ इट फॉर टुडे नेक्स्ट लेसन के अंदर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग